गुड मॉर्निंग, ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट खास न्यूज नहीं है। नेक्स्ट जो बात करें तो देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है वो देश देशांतर के अंदर बात की गई है नैम समिट के बारे में, अभी अजरबैजान में हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल, कुछ पॉइंट्स नहीं निकलते हैं। इन डेप्थ के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात की गई है और विशेष के अंदर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो हमारे पास है, आज से अजरबैजान में, ये अजरबैजान कहाँ है, यूरोपियन कंट्री के नीचे, यूरोप के नीचे आपको मिलेगा, ईरान के आजू बाजू में मिलेगा अजरबैजान। इंपोर्टेंट होता है लोकेशन, आप जरूर देख लेना। अजरबैजान में ये नेम की मीटिंग हो रही है। ये नेम बना कब, ये किस परिस्थिति में बना, सवाल तो ये उठता है नेम है क्या। देखो नेम ऐसी संस्था है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे, जैसे यूएसए एक तरफ अलग एक ध्रुव था, दूसरा यूएसएसआर एक अलग ध्रुव था, लेकिन भारत ने सोचा, ब्रिटेन एक अलग था, भारत ने सोचा हम एक अलग सा बनाएंगे, एक ऐसा मतलब एक कम्युनिटी बनाएंगे जिस कम्युनिटी के अंदर हम ना तो किसी के अंदर जाएंगे, किसी के मतलब इसके ना तो रसिया के पाले में जाएंगे ना तो यूएसए के पाले में जाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट बनाया गया और इसके मीटिंग जो है सबसे पहले हुई थी सबसे पहली मीटिंग 1961 में, ये मीटिंग यूगोस्लाविया में हुआ था। अब ये ध्यान रखना, बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में, और यहाँ से ये सफ़र और दौर शुरू होता है। और अभी न्यूज़ में इसलिए है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी यहाँ पर अभी 18th मीटिंग जो है सो हो रहा है अजरबैजान में। ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो शुरुआत जब हुई थी तो बहुत कम देश थे, लेकिन 120 देश जुड़े इसके अंदर। वैसे यूनाइटेड नेशन के 193 देश हैं, लेकिन इसमें 120 देश हैं, तो जाहिर सी बात है कितनी बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हो। हाँ अभी जरूर थोड़ा ठंडे बस्ते में जा चुका है ये, लेकिन रिवाइव हो रहा है। वेट था इसके पास, ग्रेविटी था इसके पास, डाइवर्सिटी होते हुए भी ये इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा काम कर रहा था। दुनिया के चैलेंजेस से जूझने का एक जज्बा था इसके पास, एक बैठने का मंच था इसके पास, और धीरे धीरे ये मंच बढ़ता चला गया। और यहाँ पर आप एक और बात, लास्ट जो मीटिंग हुई थी वेनेजुएला में 2016 में हुई थी, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इस तरह से प्रीलिम्स के अंदर फैक्ट आपसे पूछ लेगा, लास्ट कब हुई थी, अभी कहाँ हुई है, तो अभी अजरबैजान हुई है, लास्ट वेनेजुएला में 2016 में हुई है। और ये 18th मीटिंग है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्लाइमेट के ऊपर बात होने की संभावना है नेक्स्ट, और टेररिज्म की बात करने के ऊपर संभावना है, और कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 में भारत ने इसके ऊपर प्रपोजल दिया था, ये लाया जाए, एट टू बी एडॉप्टेड, अभी तक एडॉप्ट इसको नहीं किया गया है, तो इसको आगे बढ़ाने की बात है। हाँ एक चीज जरूर है, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, आपको पता है अच्छी तरह से, लेकिन इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि इसका भी दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कुछ कंट्री का मोनोपोली इसके ऊपर बना हुआ है, आपको अच्छी तरह से पता है, या बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, अभी इस इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर डिस्कस हो सकता है, रिफॉर्म होने की बात की जा सकती है, मल्टीलेटरिज्म की बात की जा सकती है, इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म की बात की जा सकती है, इंक्लूसिवनेस की बात की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अभी देखो यूएसए का ट्रेड वार चलता है चाइना के साथ, ये सारे के बीच, जैसे एक नेम ही तो नहीं है, नेम के अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे ब्रिक्स हैं, या फिर इब्सा है, या फिर एशिया पैसिफिक है, इन सब को भी लेकर के मिलकर के साथ चलें, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरह से सही से काम करे तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर अनेक संगठन हैं, भारत टेक्नोलॉजी देता है, भारत से भारत की सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है, आपको अच्छी तरह से पता है, हम सर्विस सेक्टर देते हैं अदर कंट्री को, हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे पड़ोस के देश को हम अभी जो है सो, जैसे वेनेजुएला वगैरह में, जैसे वेनेजुएला में हो गया, वियतनाम में हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री बना रही है, चाइना बना रही है, अब ये चाइना बना रही है, दिक्कत कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा भारत भी तो इसको कर सकता है,
जैसे अभी आप मम्मलपुरम का आप देख लो, अभी जो हुआ है समिट चाइना का, तो हर एंगल हर एस्पेक्ट में बात करनी होगी, तभी जा करके इस मीटिंग का कुछ आउटपुट निकल के आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था, रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल इंटरेस्ट चार्टर टू द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ, समझ रहे होगे आप, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी इक्वलिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, नेक्स्ट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल, मतलब पीसफुल रहने की बात कही गई है, रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल रिस्पेक्ट करेंगे, डिफेंस एंड प्रमोशन शेयर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में शेयर करेंगे, रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, ये भी बात कही गई है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, किसी के हम अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्रमोशन एंड डिफेंस मल्टीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करेंगे, ये पंचशील सिद्धांत था, यूपीएससी ने इसको पूछ रखा है, इसलिए हमने मैंने इसको डाला है, एक नजर आपका दिल करे तो देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। विशेष के अंदर जो बात की गई है करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में बात की गई है, हालांकि बहुत सारी बातें की गई हैं लेकिन कुछ भी रावी नदी के तट पे जो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, जो गुरु नानक देव का जो फूल बन गया था मरने के बाद, हिंदू मुस्लिम ने बांट लिया, ये सारी बातें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और कुछ खास इसके अंदर नहीं आता है। और ये 1999 से प्रपोजल था, पाकिस्तान में है गलियारा, कुल मिलाकर के अब बन के तैयार होने वाला है, तो बिना वीजा के और सुबह जाएंगे और शाम को ही वापिस आ जाएंगे, इस तरह की कुछ व्यवस्थाएँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगे इसके अंदर, खाने पीने इन सब की चीजों का, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। विशेष के अंदर जो बात की गई है, यहां पर विशेष के अंदर जो बात की गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात ये की गई है कि वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 77 से हम 63rd पे आ गए हैं, यही इंपॉर्टेंट है, और तो बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, या किसी भी कंपनी को आने के लिए सहूलियत होना चाहिए, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, ये सारे फैक्टर तो हमारे पास हैं ही, तो और कुछ ज़्यादा नहीं निकलता है, और प्रीलिम्स के हिसाब से ये निकलता है, मेंस में हालांकि उस पॉइंट से कुछ नहीं निकलता है। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था, थैंक यू।